Welcome to my channel DIY with Pings and how are you all? I hope you people all are doing great. और कोविड चल रहा है तो अपने घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए और घर से बाहर तभी निकलेगा जब ज़रूरी हो. सो अब आपने इस केस में कोविड के केस में पॉजिटिव नहीं रहना है तो स्टे नेगेटिव. चलो फिर गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज का वीडियो गाइज मैं थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर्स हो गए या फेशियल ऑयल्स हो गए, सीरम्स हो गए, इसके लिए आपको लेके आ रही हूँ कि एक हाई एंड का प्रोडक्ट है और एक बिल्कुल नॉर्मल जो हर कोई परचेज कर सकता है एक वो प्रोडक्ट है. तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास है ये मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम. आप देख सकते हैं मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम. और दूसरी तरफ है मेरा ये गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट सीरम. तो गाइज ग्लोस फेस सीरम. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या फ़र्क है इन दोनों प्रोडक्ट्स में. क्या आपको ये, इसका जो मामा अर्थ का प्राइस है वो है 600 और जो गुड वाइब्स का है इसका रोज हिप वाला है इसका है प्राइस आपको पड़ेगा ये 215 का है. तो आपको डिस्काउंट पे मे बी ये 200 पे मिल जाएगा आराम से. तो मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है. कुछ भी नहीं है गाइज, मैंने इसको 15 डेज यूज़ किया है प्लस मैंने ये रोज हिप वाला 15 डे यूज़ किया है. टच वुड गाइज मुझे इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं लगा. लगाने के बाद जो ये 600 वाला काम करता है वही ये 200 वाला भी करता है. इवन इस 600 वाले से ज़्यादा बेटर ये 200 वाला करता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मामा अर्थ का ये स्किन करेक्ट फेस सीरम बेकार है या काम नहीं करता है, बट मैं ये कह रही हूँ जिनके पास या फिर जो लोग ये यूज़ करते हैं गुड वाइफ का रोज हिप, ये भी कुछ कम नहीं है. ये भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना ये मामा अर्थ का करता है. सो गाइज आफ्टर फेशियल सीरम तो मैं बात बताती हूँ आपके लिए एक फेस मॉइस्चराइजर की. गाइज फेस मॉइस्चराइजर भी हमारे स्किन टाइप में एक मेन रोल प्ले करता है. प्लस हम अपना कोई भी मेकअप रूटीन इसके बिना नहीं करते हैं. ये हमारा वेरी फर्स्ट होता है कि हम पहले मॉइस्चराइजर करते हैं अपने फेस को, उसके बाद ही हम कोई अपना स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. उसके लिए मेरे पास एक है, मेरे पास ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है. ये है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर बायो विजिबली फ्लॉलेस स्किन. यस गाइज एंड इट सूट ऑल स्किन टाइप, ऑल स्किन टाइप को सूट करता है. और प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन को अंदर से हील करते हैं प्लस हमारी स्किन को अंदर से ही एक फ्लॉलेस बनाते हैं. सेकंड इसी के जैसा ही एक मैं आपको ऑप्शन देना चाहती हूँ. अगर आपके पास ये मॉर्निंग नेटर नहीं है तो आप यूज़ करते हैं ये, आप यूज़ कर सकते हैं ये गुड वाइब्स का डीप मॉइस्चराइजिंग फेशियल ऑयल गाइज. ये भी ऐसा ही काम करता है. और प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये दोनों सेम प्राइस के हैं. मैं आपको इसको खोल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है प्लस इसका टेक्सचर कैसा है. हमने इसको खोला और इसको गाइज आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको खोल के हल्का सा आपको शेक कर लेना है ताकि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से शेक वेल हो जाएं, आपस में थोड़े से मिल जाएं, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए ये चीज़ हमारे स्किन पे लगने के लिए. ये देखिए गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है. ये सी बिल्कुल भी थिक नहीं है, ये बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है. ये स्किन पर बहुत अच्छी तरीके से जाता है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन के इनटू होता है, स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है. और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इस मॉर्निंग नेक्टर की तो ये भी सेम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है और बिल्कुल भी हमारी स्किन को एक ऑयली टेक्सचर नहीं देता है. चाहे आप इसे विंटर्स में यूज़ करें या चाहे आप इसे करें विंटर्स में यूज़, चाहे आप इसे करें समर्स में यूज़. सो गाइज ये था मेरे तरीके का जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ से कि जो मेरे यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ कि रेदर देन आप एक 600 का एक प्रोडक्ट ले, आप क्या कर सकते हैं 200 के टू प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और वो आपको वैसा ही एक असर दिखाएंगे आपकी स्किन पर जैसा कि एक 600 वाला दिखाता है, वो आपको एक 400 वाला भी दे सकता है. सो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से ज़्यादा
आता है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये चीज़ आपके ऊपर काम करती है कि नहीं. बिकॉज आई एम पर्सनली अ वेरी सुपर ड्राई स्किन पर्सन, बट दे डन सो वेल ऑन माई स्किन. वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं मेरी स्किन पर. सो येस, दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई ऑल फेशियल सीरम्स एंड ऑयल्स. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड टेल मी कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच.